वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं और मेरे फ्रेंड जा रहे हैं सेवन सिस्टर हिल्स पिरजागढ़। ये नागपुर से 106 किलोमीटर दूर है। मॉर्निंग के 8:30 हो रहे हैं और हम करीब 7 बजे घर से निकले। थोड़ा नाश्ता करके काफी दिनों के बाद साथ में कहीं जा रहे हैं। खुशी देख सकते हो आप हमारे फेस पे। मस्ती मजाक करते करते हम एक जगह रुक गए। अशक्त सुंदर असा हा रस्ता आहे। हे माझे मित्र आहे। भाई यहाँ पे गाड़ी लगा के जाना है क्या? पूछना है क्या इसको? ये हमारा तात्या रील्स निकालते हुए रील्स के शॉट। कुछ दूर जाने के बाद अच्छा जो रोड था वो खत्म हो गया। अब आप भी देख सकते हो ये पुराना कच्चा रास्ता है और यहाँ स्पीड में कार नहीं चला सकते। और अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं। कच्चे रोड होने की वजह से आप हमारे जो फेस है वो देख सकते हो। हम सोच रहे थे कि हम हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे कब तक पहुँच सकते हैं, बट वी आर एंजॉयिंग। चालू है क्या भैया? हाँ बंद है क्या? चालू है ना? चालू है, चालू है ना। थैंक यू भैया। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए और अब स्टार्ट होगी हमारी ट्रेकिंग। जो ट्रेकिंग है वो लगभग 1 घंटे की है और अब देखना है कि हम कितने टाइम तक पहुँच सकते हैं। सीरियसली अभी से हवा टाइट होने लगी हमारी। काफी ज्यादा एक घंटे का ट्रैक है। काफी ज्यादा ऊपर हम लोगों को अभी तक मतलब चढ़ना है। अभी सिर्फ 10 मिनट हुए बट हवा टाइट हो गई हमारी। मेरे को भेजना
हालत देख सकते हो आप, देखो हमारे दो अनमोल रत्न। अबे पीठ दिखा रहे हो सामने, देखो चढ़ाई करना काफी हार्ड जा रहा है और हमारा दातिया चलते ही जा रहा है। सारे के सारे लोग जो है अभी तक नीचे है, मैं थोड़ा ऊपर आ चुका हूँ, आप एक को देख सकते हो यहाँ पे दूर से, बाकी दोनों नीचे है। अभी भी चढ़ाई बाकी है मेरे दोस्तों, अभी और जाना है। तो अभी थोड़ा और ऊपर जाना है और हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा 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 से ज़्यादा लगी पड़ी है। तो थोड़ा ऊपर हम ऊपर तक हम लोग पहुंच चुके हैं और प्यास लगी है तो इसलिए रुके हुए हैं। आप अगर यहाँ पे विजिट करते हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कचरा मत करो, बिकॉज इस नेचर में कचरा सूट नहीं करता। रास्ता काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रही है हम लोगों को। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो मैं ये की बात रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो पानी की बॉटल्स है वो आप साथ में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जितना आप लाओगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, बिकॉज ऐसी जगह पे डिहाइड्रेशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रखनी है।
जी। कितना अच्छा लग रहा है, सबकी लगी पड़ी। सबसे पहले मेरी पैकअप। नहीं जाना मेरे को, और ऊपर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, हो गया। फाइनली हम लोग सेवन सिस्टर आ गए। एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। बहुत ज्यादा थक गए थे हम लोग, बट ये नजारा देखकर दिल को इतनी खुशी हुई कि सब भूल गए हम लोग। शांत हो गए थे हम लोग, ये जो नेचर था इसे देखकर, इसे फील कर रहे थे हम लोग। सोचा भी नहीं था कि नागपुर के आसपास इतनी ब्यूटीफुल जगह होगी जो कि मन को शांति दे रही थी, और सारी चीजें वर्थ लग रही थी यहाँ पे आना, वो बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिलना। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी जर्नी रही मेरी सेवन सिस्टर हिल्स की, और आगे और भी कुछ दिखाने के लिए है, लेकिन ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेवन सिस्टर हिल्स के बारे में ही रहेगा, और उसमें आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।